गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अ जी के सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर जी के बुक एंड ओपन पेज नंबर 3। बच्चों, जी के में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, माई स्कूल। ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों। स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट्स कम टू स्टडी। स्कूल किस तरह का इंस्टीट्यूशन है बच्चों? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करने के लिए आते हैं? स्टडी करने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ओके स्टूडेंट, नीचे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर स्कूल। यहाँ पर देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको अपने स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल करना है। सो देखते हैं, फर्स्ट द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपको अपने स्कूल का नेम बताना है। तो बच्चों, आपके स्कूल का नेम क्या है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। सेकेंड, माई स्कूल इज सिचुएटेड इन, आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, किस प्लेस पर स्थित है? गवरिया सुल्तानपुर यूपी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों से, माई प्रिंसिपल नेम इज, आपको अपने प्रिंसिपल का नेम बताना है बच्चों। तो बच्चों, क्या नेम है प्रिंसिपल का? मिसेज अनीता दास। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, सॉल्व द पजल यूजिंग गिवन वर्ड्स। बच्चों, यहाँ पर देखिए पजल दिए हैं, आपको ये वर्ड्स यूज करके इन पजल्स को कंप्लीट करना है। ओके, तो देखते हैं, फर्स्ट व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं स्कूल में जब आप जाते हैं बच्चों? तो आप क्या पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं, है ना? तो आपको फर्स्ट वाले में क्या फिल करना है? बुक। सेकंड देखेंगे, व्हाट डू यू राइट विद, आप किसके साथ लिखते हैं अपनी कॉपी पर? आप किसके साथ लिखते हैं? पेंसिल के साथ लिखते हैं, है ना बच्चों? तो सेकंड में क्या फिल करना है? पेंसिल। नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पेंसिल एंड इरेजर, आप किसके साथ लिखते हैं? पेंसिल एंड इरेजर के साथ में। तो थर्ड में आपको क्या फिल कर देना है? इरेजर। ओके, तो ये बच्चों इस साइड में। ओके, नंबर फोर, वेयर डू यू सिट, आप किस पर बैठते हैं जब आप स्कूल जाते हैं बच्चों? तो आप किस पर बैठते हैं? आप बेंच पर बैठते हैं। ओके, तो नंबर फोर में आपको क्या फिल करना है? बेंच। यहाँ पर बच्चों वर्ड दिए हैं, उसकी स्पेलिंग भी है, तो आप स्पेलिंग वहाँ से देख कर यहाँ पर लिखेंगे। नंबर फाइव, हु टीच द क्लास, आपको क्लास में कौन टीच करता है, कौन पढ़ाता है बच्चों? तो टीचर पढ़ाता है, है ना? तो आपको फिफ्थ में क्या फिल कर देना है? टीचर। नंबर सिक्स, वेयर डू यू पुट योर बुक, आप अपनी बुक किस पर रखते हैं बच्चों? तो आप अपनी बुक को, अपनी कॉपीज को किस पर रखते हैं? डेस्क पर रखते हैं। ओके, तो नंबर सिक्स में आपको क्या फिल कर देना है? डेस्क। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए डाउन वर्ड्स का भी दिया हुआ है, वेयर डज द टीचर राइट। तो डाउन वर्ड्स वाले में इसमें पूछा गया है आपसे टीचर किस पर लिखता है, तो टीचर बच्चों ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, है ना? तो ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग ये लिखी है, आप यहाँ से देखकर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। ये बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो आपको ये वर्क अपनी बुक में करना है और आप सभी बच्चों डेट मेंशन कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।